मैं आया था, मुझे याद है। तो हम शाम को 6 बजे पहुंचते थे, सुबह 6 बजे निकलते थे। अच्छा, हम निकलते 2 घंटे में फिर कोई आया था, अब 2 घंटे ऑफिस होते थे। ये बात है 4.5 साल पहले की, और आज भी मैं देख रहा हूँ वही आप मेहनत कर रहे हैं। इसकी भी क्या लॉजिक है? कंपनी सेटल्ड हो चुकी है, लोग अच्छे खासे इनकम उठा रहे हैं, कंपनी मतलब जितनी 5 साल में कंपनीज खुली है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये है, टर्नओवर अच्छा कर रही है, सब कुछ बढ़िया है। तो ऐसे केस में इस तरीके से यदि मेहनत करते ही नहीं लगातार, तो फिर कंपनी खोलने का मतलब क्या हुआ? यदि आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे लगातार, तो ये क्या लॉजिक है? आपने कंपनी पैसे के लिए खोली है जी, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ओके, लेकिन सिर्फ पैसा मकसद नहीं है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना है, अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करनी है, उनके साथ मैदान में उतरना है। तो एक APJ अब्दुल कलाम आजाद जी ने बोला था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो जी, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते। मेरे वो सपने हैं कि जहाँ पे मैं इस इंडस्ट्री को राइट प्राइस पे ला सकूँ, राइट प्रमोशंस पे ला सकूँ, जहाँ पे कस्टमर इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हों, जहाँ सिर्फ बेचने वाले नहीं और बेचने वाला भी नहीं खरीदना चाहते, उस मोड को तोड़ के हम उस चीज़ पे लाएं कि बेचने वाले तो खरीदें ही खरीदें और वो इतना खरीदें कि वो उनसे खरीददार भी खरीदने के लिए लाइन लगा के आएँ कि भैया ये माल हमें चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें दे दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है कस्टमर सेंट्रिक इसे बनाना, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा कस्टमर्स को कनेक्ट करना। ये इंडस्ट्री बहुत रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों की जीवन को बेटर कर सकती है, बहुत लोगों की लाइफ को फंडामेंटली चेंज कर सकती है, बहुत लोगों को उनके जो सपने वो देखते हैं उनको पूरा कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में जो एक पार्ट मिसिंग है साहब, और वो पार्ट है कस्टमर गायब है इस इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री में कस्टमर जोड़ दो, जो सपने डायरेक्ट सेलर ने आज तक 25 साल में देखे हैं, वो सपने जैसे ही इस इंडस्ट्री से कस्टमर जुड़ेगा सब पूरे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं साहब, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास ओडी है, BMW है, रोल्स रॉयस है, बुगाटी है, जो मर्जी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसके अंदर तेल नहीं है ना, तो 5 करोड़ की गाड़ी 100 रुपये के तेल के बिना वहीं खड़ी रह जाएगी। इम्पॉर्टेंट है आपने कितने स्किलफुल हो गए हों, कितने आप मोटिवेटर हो गए हों, कितने अच्छे आप ट्रेनर हो गए हों, कितने अच्छे आप सेल्समैन हो गए हों, जब तक कस्टमर नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता साहब। आप कितने बड़े जादूगर क्यों ना हो साहब, अगर ऑडियंस नहीं आएगी तो आप 4 या 5 बार के बाद वो जादू का खेल दिखा नहीं पाए। सर, जो अगला सवाल था आपने जवाब मुझे लगता दे दिया कि इंडस्ट्री में एक धड़ा है जिसका मानना कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ड्रिवन कंपनी है, ना कि कस्टमर ड्रिवन। आई थिंक इसका जवाब आपने इसका दे दिया। और थोड़ा सा क्लियर जवाब दे देता हूँ। जो भी कंपनी ये मानती है कि ये लीडर्स ड्रिवन होनी चाहिए, वो कंपनी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि लीडर्स बगैर कस्टमर्स के लंबे समय तक आपके साथ टिकेंगे नहीं। जैसे ही उसके चेक फ्लक्चुएट होंगे वो निकल जाएंगे। सस्टेनेबल कंपनी बनानी है, स्टेबल कंपनी बनानी है, ग्रोइंग कंपनी बनानी है, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अगर मैं बोलूं बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहने वाली और ऑर्गेनाइज रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो आप स्टेबल कंपनी का एक ही स्लोगन है, लीडरशिप ड्रीवन कंपनीज कैन नॉट बी स्टेबल कंपनीज, कस्टमर ड्रीवन कंपनीज आर द मोस्ट स्टेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड। आप जिस मर्जी कंपनी को उठा लीजिए, हर वो कंपनी स्टेबल है जिसके पास कस्टमर, जिस कंपनी को ड्राइव कर रहा है, स्ट्रेंथ कस्टमर ही होगा। क्योंकि साहब बिक्री के व्यापार में ग्राहक के बिना ना तरक्की की उम्मीद की जा सकती और ना ही स्थायित्व की। ओके लाइफ के अगेंस्ट जब कोई निगेटिव बोलता है तो आप कभी रिप्लाई क्यों नहीं करते? झूठ और सच का फैसला कौन कर देता है?